कई दावों और वादों के बाद भी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। रोजमर्रा की चीजों के दाम तो आसमान पर ही हैं। साथ ही अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने भी आम आदमी की कमर तोड़ दी है। आम आदमी महंगाई की मार से परेशान है। इस बीच अब आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 7.45 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की और 9.56 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार का ये फैसला पाकिस्तान की आवाम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की ओर से 30 जून को जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की जा रही है। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में अब पेट्रोल 265.61 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिकेगा, वहीं डीजल की कीमत 277.49 रुपए प्रति लीटर हो गई है। जानकारी के मुताबिक वित्त विधेयक 2024 में पेट्रोलियम टैक्स की अधिकतम सीमा 80 रुपए प्रति लीटर प्रस्तावित की गई है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की सरकार आने वाले दिनों में टैक्स में बढ़ोतरी करेगी। इसका सीधा असर पेट्रोल और HSD की कीमतों पर पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।